जिला बिलासपुर के साथ सटी जिला सोलन की ग्राम पंचायत तैयार कनैत के कोहूबन वृत्त में जामली जयनगर शिमला मार्ग पर लोहार घाट के नजदीक चीड़ के घने जंगल में आग लग गई। दोपहर से लगी आग रात भर जंगल में बढ़ती चली गई, जिस कारण चीड़ की वनस्पतियां जलकर राख हो गई। वन विभाग, अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों व स्थानीय ग्रामीणों ने आग पर काबू करने की बहुत कोशिश की, लेकिन आग को काबू नहीं कर पाए और धीरे धीरे आग बढ़ती चली गई और कई बीघा जंगल जलकर राख हो गया। जिला बिलासपुर के साथ सटी जिला सोलन की ग्राम पंचायत कयार कनैत के कोहूबन वृत्त में जामली जयनगर शिमला मार्ग पर लोहार घाट के नजदीक चीड़ के घने जंगल में आग लग गई। दोपहर से ही रात भर जंगल में भीषण आग बढ़ती चली गई, जिस कारण चीड़ के वनस्पतियां जलकर राख हो गई। वन विभाग, अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों व स्थानीय ग्रामीणों ने आग पर काबू करने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। राजपाल वर्मा ने बताया कि वन में आग लगने से जंगल में भारी नुकसान हुआ है। तेज हवाओं के चलते रात को आग पर काबू नहीं पाया गया। अब सुबह ही पता चल पाएगा कि जंगल में कितना नुकसान हुआ है और आग बुझाने की पूरी कोशिश की जा रही है। सुबह तक आग पर काबू कर लिया जाएगा। उन्होंने लोगों से अपील की है कि जंगल में सिगरेट या बीड़ी जलती हुई ना फेंकें, जिससे जंगल को जलने से बचाया जा सके। लोक निर्माण विभाग हिमाचल प्रदेश में कॉन्ट्रैक्टर का कार्य करता हूं और मैं मलौन से इसी एरिया से स्थायी निवासी हूं। मैं लोगों से अपील करता हूं कि जैसे गाड़ियों में आना जाना या आते जाते समय चीड़ के पत्ते नीचे रोड में पड़े होते हैं, बीड़ी ना पिए, बीड़ी सिगरेट ना पिए, कि ये वन हमारी संपदा है, इस पर्यावरण को बचाना है। आग लगाने से वायु प्रदूषण फैलता है, जिससे लाखों बीमारियाँ फैलती है, लाखों जीव जंतु इससे आग में आग की भेंट चढ़ते हैं। प्रशामक अमर सिंह, हम लोग फायर चौकी अर्की में पोस्टिंग है और लगभग 3 बजे के आसपास हमें ये सूचना मिली कि लोहारघाट रोड पर जो है जंगल में आग लगी है और बहुत ही तेज़ी से फैल रही है। कृपया आप अपनी टुकड़ी लेकर स्थानीय लोगों की मदद के लिए यहाँ पर आग बुझाने के लिए पहुँच जाए। हम लोग 3 बजे वहाँ से चले और लगभग 2.5 घंटे का सफ़र करने के बाद यहाँ पर 4:15 बजे के आसपास पहुँचे। से लगभग कोई 10 वर्ग किलोमीटर एरिया जल चुका है, जिसमें सारा चीड़ का जंगल है और इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है और अभी भी आग जो है बहुत लगी हुई है। काफ़ी कंट्रोल कर ली गई है, लेकिन फिर भी अभी बहुत लगी है। फॉरेस्ट और फायर सर्विस की टीम और स्थानीय लोग इस आग को बुझाने में लगे हुए हैं। बोले वन मंडल नालागढ़ जी, वन भी तो सोलन और हमारा वन प्रस्तर को हुआ जी और ये बनखंड है सोना जी। तो इसमें लगभग 2:30 बजे हमने रोड साइड में आग धुआं दिखा, जैसे धुआं दिखा तो हम मौके पर गए और हम मौके पर आग बुझाने लगे। आग कंट्रोल से बाहर थी, तूफान भी था और तूफान ज़्यादा होने के कारण हमने फिर फायर ब्रिगेड को सूचित किया फ़ोन द्वारा। तो उसके बाद फायर ब्रिगेड आई और हमने वैसे काफ़ी मशक्कत की, पर लेकिन नहीं आग कंट्रोल हुई नहीं, तूफान भी ज़्यादा था। तो अभी इसका सुबह ही पता लगेगा कितना एरिया जला, कितना नुकसान हुआ।